Today we are started our first chapter, chapter civics, democracy and equality. So let's start our first topic, meaning of democracy. Democracy means rule of the people. It is a combination of two Greek words, demos, which means people, and kratos, which means rule. हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी की मीनिंग. डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं और डेमोक्रेसी ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है. एक है डेमोस जिसकी मीनिंग है पीपल और क्रेटस जिसकी मीनिंग है रूल. यानी कि ऐसी कंट्री जहाँ पर पीपल रूलिंग कर रही होती है उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं. नेक्स्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. एक है अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्राहम लिंकन. इन्होंने एक स्लोगन दिया है जिसमें कहा है कि डेमोक्रेसी है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. यानी कि लोगों के लिए ही लोगों के द्वारा और लोगों से ही जिस कंट्री में रूलिंग की जाती है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. नेक्स्ट है जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी. इन एथेंस द एंशिएंट सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस ऑल द मेल सिटीजंस फॉर्मड अ बॉडी कॉल्ड अ assembly that took the important decisions of the state. This was perhaps the earliest form of direct democracy where people directly participate in governments, but slaves, women and people of other states living in Athens were not a part of the assembly and did not participate in the decision making. It means हम ये पढ़ रहे हैं एथेंस के बारे में. ancient time पर एथेंस के जहाँ पर वो लोग ruling कर रहे होते थे वहाँ के बारे में बताया है कि वहाँ पे जितने भी participate होते थे government में ruling करने के लिए वो सारे के सारे male ही हुआ करते थे और उनमें किसी भी type की कोई भी lady या women को participate करने की permission नहीं थी. यहाँ पे जो यहाँ पर ladies हुआ करती थी वो slaves lady होती थी. इनको assembly में कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी. बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रखा था यहाँ पर. और यहाँ पर डायरेक्ट ही पीपल जो गवर्नमेंट में रूलिंग करने वाले पीपल होते थे उनको डायरेक्ट ही इलेक्ट कर लिया जाता था विदाउट किसी भी इलेक्शन या किसी भी कंपटीशन के. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी डेवलप्ड फर्दर इन द रोमन एम्पायर 519-27 BCE एंड played an important role an assembly of important citizens called the Senate was formed and people elected consulate to run the government for a 1 year term. ये हम पढ़ रहे हैं next topic. ये हम पढ़ रहे हैं रोम के बारे में. रोम में जो एम्पायर है यहाँ पर रूलिंग चली थी 509 से लेकर 27 BCE की टाइम की बात चल रही है ये. तो यहाँ पर जितने भी सिटीजन हुआ करते थे वो सिटीजन पीपल उनको इलेक्ट तो करते थे लेकिन वो सिटीजन सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए होते थे. यानी कि आफ्टर 1 ईयर फिर से इलेक्शन होगा और नए रूलर यहाँ पर आएंगे. और इनमें जितने भी रूलर्स होते थे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग किए हुए होने चाहिए. वो रॉयल फैमिली के होते थे उन्हीं का ही इलेक्शन होता था और इसमें आकर ये 1 ईयर के लिए गवर्नमेंट बन जाया करते थे. थर्ड पॉइंट है इन द एज ऑफ फेडरलिज्म that may come after the fall of the Roman Empire, democracy was almost forgotten. It was an age of violence, wars and the tyranny of the kings. जब डेमोक्रेसी की बात चल रही है तो यहाँ पर एक फेडरलिज्म की बात बारे में भी आ गया कि रोमन एम्पायर में डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे लोगों ने वायलेंस अगेंस्ट वायलेंस किया, बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों ने मूवमेंट किया. और इस कंट्री में तो रोम में लोगों को पता भी नहीं था डेमोक्रेसी की मीनिंग आखिर होती क्या है. ठीक है, तो इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद लोगों ने देखा कि जो हमारे यहाँ पर रॉयल फैमिली की रूलिंग करने के लिए जो पार्टी आई हुई है वो पार्टी अच्छे से रूलिंग कर भी नहीं रही है और जो भी यहाँ पर लीडर बनता है वो लीडर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है. इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ के लोगों ने वायलेंस करना स्टार्ट किया और यहाँ पे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई. फोर्थ पॉइंट है एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी वॉज द साइन ऑफ द मैग्ना कर्ट इन 1215 CE. इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टीज ऑफ इंग्लैंड. एक है हमारे ये हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं
टाइप से रूलिंग बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, तो उन सारे रूल को जिस चीज में लिखा जाता है इसे चार्टर कहते हैं। और इस चार्टर को पास करवाया जाता है, जब वो पास हो जाता है तो पूरी तरह से चार्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बन जाता है। तो ये काम सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था, और इंग्लैंड में जब ये स्टार्ट हुआ तो पूरे वर्ल्ड जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, इस पूरे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही तेजी से ये फैला, ये चार्टर और लिबर्टीज के बारे में लोगों को नॉलेज हुई। ये बात चल रही है 1215 CE की। तो 1215 के टाइम से ही लोगों के माइंड में ये समझ में आ गया, लोगों को ये पता चल गया कि हाँ, डेमोक्रेसी जैसी भी कोई चीज होती है, अगर जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है उस कंट्री के जितने भी लोग होते हैं वो किंग होते हैं, बजाय की जो हेड किंग हो। जैसे हमारे इंडिया का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो इंडिया में ऐसे ही है, इंडिया में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिठाते हैं रूलिंग करने के लिए, लेकिन जितने डिसीजन होते हैं वो सारे डिसीजन हमारी जनता ही लेती है, तभी कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी डिसीजन को वो करेक्ट कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। और इसके कुछ और भी तीन चार पॉइंट कुछ और भी हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। योर होमवर्क इज रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू।